हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जर्नी बड़ी में। दोस्तों आज हम यहाँ पर आए हैं टेक्नो कॉम्पिटेक में, जहाँ पर आपको लैपटॉप सेकेंड हैंड न्यू है, नया और बेहतरीन लैपटॉप यहाँ पर मिलता है हमने सुना था। तो आज हम आपको लैपटॉप दिखाएंगे कि यहाँ पर लैपटॉप कैसा मिलता है। और अभी तो दुकान बंद है, जैसे यहाँ का दुकान 10:30 बजे खुलता है, तो हम अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ का दुकान खुलेगा तो आपको लैपटॉप एक एक करके दिखाएंगे और हमको जो पसंद आएगा वो हम लेके जाएंगे। ये जो शॉप है वही अभी बंद पड़ा है, तो आप देख रहे होंगे कि शॉप क्या पर है। तो हम आपको शॉप का लोकेशन और नंबर तो आप देख ही पा रहे होंगे, तो लोकेशन हम सेंड कर देंगे। पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लैपटॉप कैसे मिलते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कितना का प्राइस और कैसे कैसे प्राइजेस हैं यहाँ पर। इसके बाद में अगर हम में कुछ हमारे चैनल से आएंगे तो आपको हम कुछ डिस्काउंट भी दिलाने के लिए बात करेंगे, तो देखते हैं जो दुकान वाले हैं वो क्या बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, दुकान खुल चुका है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लैपटॉप्स। हम एक लैपटॉप देखेंगे हमारे वाला। ये कितना का पड़ेगा? ये आएगा मोटामोटी 14,000। i5 प्रोसेसर, 4GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क, 2GB ग्राफिक्स, कैमरा, वाईफाई सब कुछ अपग्रेडेबल है। डेल का ना? डेल का। और ये आएगा HP का, ये भी i5 है, फिंगरप्रिंट लॉक के साथ, एंटी लॉक वगैरह सब कुछ है, 180° फ्लैट है, इसमें भी 4GB रैम, 500GB, अगर किसी को SSD चाहिए SSD भी मिल जाएगा, 2GB ग्राफिक्स भी है इंटीग्रेटेड। और ये भी i7 में है, ये भी ऑलमोस्ट आपको 20-22 रैम में से ही आ जाएगा। i7 का। ये सब अल्ट्रा बुक सीरीज है, ये भी मोटामोटी 20-22 अराउंड इसमें आ जाएगा SSD के साथ। ये भी अल्ट्रा बुक है, ये भी बुक सीरीज है, ये भी मोटामोटी 22 तक आ जाएगा। 4GB रैम, 256 का SSD के साथ और तीन पैरेलल हो जाएगा। और मेरे 8GB रैम, 256 SSD, ये भी बहुत हाई ग्राफिक्स के साथ आता है, महंगा सीरीज है। ये भी मोटामोटी 24 का रेंज में आएगा, 24 का आएगा ना। ये भी थोड़ा महंगा सीरीज है, X1 कार्बन, ये भी एकदम मैकबुक एयर जैसा है, 4GB रैम के साथ है, 256 का SSD के साथ है, अल्ट्रा बुक सीरीज है, ये भी मोटामोटी 26 जैसा प्राइस है। 26 हाँ, मैकबुक और डेल वगैरह सब कुछ है, आईपैड्स वगैरह अवेलेबल। आईपैड कैसे है? आईपैड आएगा मोटामोटी 10,000 में आता है। 10,000 और भी है, 10,000 में भी लैपटॉप है, वो अभी तक स्टॉक में नहीं है, रेंज बहुत जल्दी आता है, स्टॉक में है ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ से एक लैपटॉप लिया है, आप भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी देंगे वो लोग, बेस्ट प्राइस बेस्ट लैपटॉप मिलता है यहाँ पर टेक्नो कंप्यूटर में। आपको एड्रेस मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूँगा, यहाँ आप आ सकते हैं। इस शॉप इधर अपोजिट दादा भाई होटल आप बोलेंगे, यहाँ पर यहाँ का अपोजिट में आप आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा। आपके पास हार्डवेयर वारंटी मिलेगा, जो कि आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, सबके पास मिलेगा सर्विस वारंटी। हम लोग के पास हार्डवेयर वारंटी है, क्योंकि अगर 6 महीने के अंदर अगर आपका मदरबोर्ड डेड होता है तो कोई वारंटी देने वाला नहीं है। हम लोग देंगे कि 6 मंथ के अंदर अगर मदरबोर्ड भी डेड होता है वो भी हम लोग ही वायरेंट, आपको एक पैसा भी खर्चा करना नहीं होगा, और सॉफ्टवेयर के ऊपर 1 साल अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लैपटॉप अच्छा मिल जाएगा, यहाँ से मैंने भी बाय किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पूरा। आज के तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है वो उसका बैक जैसा दिखता है, हम देख सकते होंगे, इसमें एक भी स्क्रैचेस नहीं है। और इसका जो है वो मुझे
सिक्स मंथ का वारंटी और वन ईयर का सर्विसिंग भी मिला है साथ ही साथ। और इस पर आपको एक बैग, माउस सब मिल जाएगा। तो इसका अंदर का जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले अंदर का जो कीबोर्ड है वो सब दिखा दूं। तो दोस्तों ये स्क्रीन आप देख रहे होंगे स्क्रीन, उसके बाद में कीबोर्ड ये सब। अब इसको मैं आपका जो है अंदर का स्पेसिफिकेशन है वो दिखाऊंगा। तो ये सब ठीक है, मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों ये आप पूरा लैपटॉप का स्क्रीन देख पा रहे होंगे, और इसके बाद में लैपटॉप का स्क्रीन तो आपने देख लिया है। अब मैं आपको इसका जो अबाउट पीसी है, जो कि पीसी का स्पेसिफिकेशन होता है, उसके बारे में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो पीसी का स्पेसिफिकेशन है, ये i5 प्रोसेसर दिया गया है। उसके बाद में मुझे 8GB रैम, ठीक है, और साथ ही साथ विंडोज़ 11 प्रो जो कि अभी अच्छा फीचर्स है वो है। और इसके बाद में जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है आपका जो इस पर मुझे कितने GB का SSD है वो मिला। तो ये जो है डिवाइस SSD है, इस पर हार्ड ड्राइव सपोर्ट नहीं करता। मतलब अभी SSD जो है वो स्मूथ चलता है, हार्ड ड्राइव से अच्छा SSD होता है, तो आपको भी पता होगा। तो ये जब आप डिवाइस मैनेजर पर जाएंगे, उसके बाद में ये डिस्क ड्राइव पर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा आपका SSD कितना GB का है। तो आपका जो SSD है यहाँ दिखाएगा, और मेरा SSD है यहाँ पर 512 GB। तो दोस्तों ये रहा पूरा मेरा पेज का स्पेसिफिकेशन और कितना GB का SSD है। ये आप स्पेसिफिकेशन आगे ही देख चुके होंगे, i5 प्रोसेसर, 8GB रैम और विंडोज 11 प्रो। तो दोस्तों ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो हमारे चैनल जर्नी बडी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।